अनुपमा के लिए इस बार वैलेंटाइन डे होगा खास। अनुज के साथ ही होगी शादी। वनराज अपनी चाल से होता है खुश। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ए प्लस खबरी में। अनुपमा टीवी शो की कहानी एक बार फिर से नए ट्विस्ट के साथ मजेदार होने वाली है। वनराज जहां अपनी चाल में कामयाबी का जश्न मनाते दिखेंगे, वहीं अनुज और अनुपमा एक हो जाने की कसम खाते हैं। इस बार वैलेंटाइन डे भी इस शो के लिए खास रहेगा। इस दिन अनुज और अनुपमा शादी कर साथ फेरे लेंगे। इधर मालविका भी वनराज की बातों में आकर अनुज के प्रति अपना रवैया बदलती हुई नजर आएंगी। कुल मिलाकर इस शो में रोमांस और इमोशनल तड़का कहानी में नजर आएगा। इस टीवी शो की कहानी समय के साथ और भी दिलचस्प होती चली जा रही है। मालविका वनराज की बातों में फंस चुकी है। वनराज की बातें मानकर मालविका ने अपने भाई को कंगाल कर दिया है। हालांकि इतना सब होने के बाद भी अनुज मालविका का साथ छोड़ने के लिए राजी नहीं है। शो में अनुपमा भी मालविका को समझाने की कोशिश करती है। अनुपमा बताती है कि वनराज उसे अपने जाल में फंसा रहा है। हालांकि मालविका अनुपमा की बात सुनने को तैयार ही नहीं होती है। इसी बीच अनुज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेगा। अनुज के इस फैसले की वजह से मालविका और अनुपमा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। इधर वनराज अनुज की बेइज्जती करता नजर आएगा। अनुज वनराज को समझाएगा कि गरीब होने के बाद भी वो बहुत कुछ कर सकता है। अनुज मालविका को अपने साथ ले जाएगा। अनुज मालविका को प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करने के लिए कहेगा। मालविका बिना देर किए पेपर्स पर साइन कर देगी। इसके साथ ही अनुज मालविका को इमोशनल गुड बॉय कहेगा। अनुज दावा करेगा कि इतना सब होने के बाद भी मालविका उसकी बहन ही रहेगी। वो हमेशा अपनी बहन का ख्याल रखेगा।